इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया की, जो फेसियल पेन होता है। अगर आपको भी कोई फेसियल पेन है तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। इसमें हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं और ट्रीटमेंट इसके लिए क्या दिया जाता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है किनको है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। समझते हैं ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया क्या होता है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनमें से फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है ट्राइजोमाइलर नर्व, जो हमारे फेस को सप्लाई करती है, उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो हमारी आँख के पास होती है, मैक्सिलरी ब्रांच इजी करके हम इसको समझेंगे, जो यहाँ पर ऊपर वाले एरिया को सप्लाई करती है, और एक मैंडिबुलर ब्रांच। तीन ब्रांच होती है और आगे जाके इनकी भी ब्रांचेस होती है। अगर इजी करके हम इनको समझे तो जो हमारे फेस के सेंसेशन है उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम ट्राइजोमाइनल नर्व करती है। और अगर ट्राइजोमाइनल नर्व में कोई इंजरी होती है, किसी प्रकार का डैमेज होता है, तो इसके कारण जो भी पेन होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइजोमाइनल न्यूरालजिया। अगर इसका थ्योरेटिकल वीडियो आपको चाहिए, डीप वीडियो आपको चाहिए, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसा पेन इसमें होता है ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया में। तो इसमें आपको सडन ब्रीफ स्टेबिंग पेन होता है, लेंसिनेटिंग पेन होता है और यूनिलेटरल होता है। समझते हैं, इसमें आपको जनरली एक साइड पेन होगा, आपके फेस के एक साइड पेन होगा, या तो इधर जनरली, और ब्रीफ थोड़े समय के लिए पेन होगा, माइल्ड टू सीवियर, जनरली सीवियर पेन होता है, बहुत तेज पेन इसमें होता है। लेंसिनेटिंग पेन, चुभने जैसा पेन आपको इसमें होता है, बहुत तेज चुभने जैसा पेन इसमें आपको होता है थोड़े समय के लिए। और ये पेन कब हो सकता है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो अलग अलग ये हो सकते हैं। चबाते समय अगर कुछ आप चबा रहे हैं उस समय आपको ये पेन हो सकता है, या फिर किसी में अगर बोल रहे हैं बोलते समय ये पेन हो सकता है, या फिर आप ब्रश कर रहे हैं ब्रशिंग कर रहे हैं उस समय आपको ये पेन एकदम से हो सकता है। और कुछ पेशेंट में फेस वॉश करते समय, अगर आप मुंह धो रहे हैं ठंडे पानी से, तो जैसे ही मुंह धोते हैं तो तेज पेन होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया किस टाइप का, ऐसा पेन होता है। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग पेशेंट में कुछ अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की, कि ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया क्यों होता है। तो जो ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया का प्रोसेस है, इसका कॉज अननोन है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई है लेकिन इसका जो कॉज है वो अननोन है, कि किस कारण से ये होता है, पर्टिकुलर क्या इसका कारण है ये नहीं बताया गया है। लेकिन हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर ट्राइजोमाइलर नर्व को किसी भी प्रकार से इंजुरी होती है या प्रेशर उसमें आता है, जो मैंने आपको बताया, जो फेस को पूरे सप्लाई करती है, सेंसेशन ब्रेन तक पहुँचाती है ट्राइजोमाइलर नर्व, अगर उसमें किसी भी प्रकार की इंजुरी होती है या उसमें प्रेशर आता है, तो ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपकी जो नर्व है ट्राइजोमाइलर नर्व है उसमें इंजुरी हो। क्या कारण हो सकते हैं, किसी ट्रॉमा के कारण हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर तो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इंटरनल कोई ग्रोथ हो रही है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है जो हमें दिख नहीं रही है, ट्राइजोमाइलर नर्व जो है उसके पास कोई ग्रोथ हो रही है और उसमें प्रेशर पड़ रहा है, इसके कारण ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया हो सकता है। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, अगर उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी है और उसके कारण ट्राइजोमाइलर नर्व को फोर्स आ रहा है, प्रेशर उसमें आ रहा है, इस कारण भी ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया हो सकता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, बोन है, मसल है, तो ये सब आपस में साथ साथ होते हैं, पास पास होते हैं, तो अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, जो वेसल से आर्टरी में कोई एबनॉर्मेलिटी है और जो नर्व है उसमें अगर प्रेशर आ रहा है इनके कारण, तो भी ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया के। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस किया जाएगा। आपको डायग्नोसिस करने के लिए जनरल एग्जामिनेशन आपका किया जाता है, आपसे हिस्ट्री ली जाती है कि कैसा पेन है, कब होता है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो अगर ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया के आपके सिम्टम होते हैं तो कंफर्म किया जाता है और ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, या फिर MRI कराई जाती है, नर्व इंजरी देखी जाती है और ट्राइजोमाइलर न्यूरालजिया को कंफर्म किया जाता है। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट जनरली तीन टाइप से दिया जाता है, मेडिकेशंस दिया जाता है, उसके बाद इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर सर्जरी। सबसे पहले होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन से ही ज़्यादातर पेशेंट में रिलीफ हो जाता है, लेकिन जो मेडिसिन है वो आपको कंटिन्यू लेनी पड़ती है। लोअर डोज से आपको मेडिसिन दी जाएंगी और ज़रूरत पड़ती है तो फिर डोजेस को बढ़ाया जाता है।
इसके लिए जनरली एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन दी जाती है, जो कार्बामेजिपिन है, फेनिटाइन है, और भी जो मेडिसिन आती हैं वो जनरली इसके लिए आपको दी जाती है। और अगर ज़रूरत होती है तो एंटी स्पाजमोडिक जो मेडिसिन होती है वो भी इसके लिए दी जाती है, या तो एंटी स्पाजमोडिक मेडिसिन दी जाएगी या फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन में एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन भी आपको दी जाती है। अगर मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है तो फिर इंजेक्शंस इसके लिए आते हैं, इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं नर्व में, वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और इसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकली, बहुत तरीके की सर्जरी होती है, अलग अलग टाइप की सर्जरी होती है, जो नर्व है उसकी सर्जरी की जाती है, और ये लास्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राइजोमाइनल न्यूरैल्जिया का। इसके अलावा जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको नोटिस करके उनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, जिनके कारण सीवियर पेन होता है, जो चीज़ करने से हमें एकदम से पेन हो जाता है, न्यूरैल्जिक पेन जो हो जाता है, उन्हें हमें अवॉइड करना होता है, उन्हें हम नोटिस कर लेते हैं और उनको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, वैसे प्रोसेस ना करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्राइजोमाइनल न्यूरैल्जिया के बारे में, होपफुली आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको या आपके रिलेटिव्स में या आपके जान पहचान वालों में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूरैल्जिक पेन है, ट्राइजोमाइनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कराना है, इग्नोर इसे आपको नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ आप शेयर कर दें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।